हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये वही तरीका जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देखकर सुनकर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं कलंक मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसके अभी तक मैंने 13 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। दिस इज़ पार्ट 14। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, अब क्यों साथ में सोना पर्याप्त नहीं। यहाँ पर आलिया भट्ट सुनकर हस्बैंड बोल रहे हैं, वाई नाउ, जस्ट स्लीपिंग टुगेदर इज़ नॉट इनफ। जस्ट स्लीपिंग टुगेदर इज़ नॉट इनफ। एक शादी को निभाने के लिए और भी कई पहलू होते हैं। देयर आर मैनी अदर फेसेट्स टू मेंटेन ए मैरिज। देयर आर मैनी अदर फेसेट्स टू मेंटेन अ मैरिज। मैं सत्या से हमेशा कहता था, आई ऑलवेज टोल्ड सत्या, जबरदस्ती के रिश्ते का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। द रिजल्ट ऑफ ए फोर्स्ड रिलेशनशिप इज़ नेवर गुड। द रिजल्ट ऑफ ए फोर्स्ड रिलेशनशिप इज़ नेवर गुड। उसको खुश करने के लिए मैंने खुद को त्याग दिया। टू मेक हर हैप्पी आई सेक्रीफाइज्ड माइंड। टू मेक हर हैप्पी आई सेक्रीफाइज माइंड। और शायद इससे आपकी खुशियाँ भी बर्बाद हो गईं। एंड मे बी इट किल योर हैप्पीनेस टू। नेक्स्ट है, जिसके लिए मैं शर्मिंदा था। फॉर विच आई वॉज असैम्ड। लेकिन समय के साथ वह सम धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। बट विद टाइम दैट सेम हैज स्लोली चेंज इन टू अफेक्शन। आपके सामने आपकी पूरी ज़िंदगी है। यू हैव योर होल लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू। गुस्से में लिया हुआ फैसला सामान्यतः गलतियों की ओर ले जाता है। डिसीजन मेड इन एंगर यूजुअली लीड टू मिस्टेक्स। एक बार अपने आप से सच बोलो। टेल द ट्रूथ टू योर सेल्फ वंस। इतनी इज्जत तो तुम मुझे और हमारे रिश्ते को दे ही सकती हो। दिस मच रिस्पेक्ट यू कैन गिव मी एंड अवर रिलेशनशिप। पति पत्नी का रिश्ता रिवाजों से नहीं बल्कि प्यार से बनना चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ शुड नॉट बी बाउंडेड बाई ट्रेडिशन बट ओनली विद लव। देव चौधरी ने हमारे खिलाफ अपना फैसला ले लिया है। देव चौधरी हैज टेकन हिज डिसीजन अगेंस्ट अस। मैंने भी चौधरियों को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। आई हैव मेड माई डिसीजन टू डिस्ट्रॉय दीज चौधरीज। सोचिए इस बारे में। थिंक अबाउट इट। कोई भी जो हमारे साथ नहीं है हमारा दुश्मन है। एनी वन हु इज़ नॉट विद अस इज़ नाउ अवर एनिमी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस यही कहने आए हो? दैट्स ऑल यू हैव कम टू से दैट। क्या फ़र्क पड़ता है? वॉट डिफरेंस डज इट मेक। तुमने पहले ही अपना मन बना लिया है ना? You have already made up your mind, haven't you? मैंने तुमसे शिद्दत से प्यार किया। I loved you with passion। और बदले में तुम ईमानदार भी नहीं रह सके। In return, you couldn't even be honest. क्या मुझसे सच कहना इतना कठिन था? Was it so difficult to tell me the truth? अपनी सारी ज़िंदगी मैंने अपने दिल में सिर्फ एक चीज़ रखी, नफरत। All my life I would fill my heart with only one thing, hatred. मैंने सबको धोखा दिया। I betrayed everyone, ताकि मैं अपने पिता से बदला ले सकूँ। So that I could seek revenge from my father. तुमने मेरी नफरत को बेघर कर दिया। You threw the hatred out of me और मेरा दिल प्यार से भर दिया। And filled my heart with love. तुम मेरे दिल को बदल रही थी। You were changing my heart. मैं डर गया था। I got scared. मैं डर गया था तुम्हारे प्यार से। I got scared of your love. जो कुछ भी मैंने इस घर से चाहा, anything that I wanted from this house, तुमने मुझे दिया। You gave to me. अगर मैं तुमसे सच कहता, if I would told you the truth, मैं तुम्हें खो देता। I would have lost you. क्या झूठ बोलकर तुमने मुझे पा लिया? Did you get me with your lies? हमारी किस्मत में साथ होना नहीं है रूप। We are not meant to be together, Roop.
यही भगवान की मर्जी है, दिस इज़ गॉड्स विल, दिस इज़ गॉड्स विल। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? डिडंट यू एवर लव मी। यहाँ पर आलिया भट्ट पूछ रही हैं जफर से, डिडंट यू एवर लव मी। यदि मैंने जवाब दे दिया, इफ़ आई हैड टू आंसर दैट, इफ आई हैव टू आंसर दैट, तो तुम्हारे प्यार पर सवाल उठने लगेंगे। देन क्वेश्चन विल बी रेज्ड अबाउट योर लव, देन क्वेश्चन विल बी रेज्ड अबाउट योर लव। तुम कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू एवर गिव अ स्ट्रेट आंसर, वाई डोंट यू एवर गिव अ स्ट्रेट आंसर। सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जस्ट वंस टेल मी दैट यू लव मी, जस्ट वंस टेल मी दैट यू लव मी। तीनों को ख़त्म कर दो। यहाँ पर जफर का फ्रेंड बोल रहा है अपने साथियों से, किल ऑल थ्री ऑफ देम, किल ऑल थ्री ऑफ देम, मैं इन्हें यहाँ पनाह नहीं दे सकती। यहाँ पर माधुरी दीक्षित बोल रही हैं, वी कांट सेल्टर देम हियर, वी कांट सेल्टर देम हियर, यानी कि हम इन्हें यहाँ पर नहीं रह सकते। वे हिंदुओं को मुसलमानों के यहाँ ढूंढ रहे हैं, दे आर सर्चिंग फॉर हिंदूज इन मुस्लिम हाउस होल्ड्स, दे आर सर्चिंग फॉर हिंदूज इन मुस्लिम हाउस होल्ड्स, वे यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे। दे वॉन्ट बी सेफ हियर, दे वॉन्ट बी सेफ हियर, इन्हें स्टेशन ले जाओ, टेक देम टू द स्टेशन, टेक देम टू द स्टेशन, हमारे साथ आओ, कम विद अस, कम विद अस। मैं हिंदू लड़कियों को छोड़कर नहीं जा सकती, आई कांट अबेंडन माई हिंदू गर्ल्स एंड लीव, आई कांट अबेंडन माई हिंदू गर्ल्स एंड लीव, मैं हिंदू लड़कियों को छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज़ हमारे साथ चलो अम्मी, प्लीज़ कम विद अस अम्मी, प्लीज़ कम विद अस अम्मी। जहाँ मैं पैदा हुई थी शायद वही मेरी मौत आएगी, वेयर आई वॉज बॉर्न मे बी देयर माई डेथ विल कम, वेयर आई वॉज बॉर्न मे बी देयर माई डेथ विल कम। तुम दोनों ट्रेन पर चढ़ो, यू बोथ गेट इन द ट्रेन। यहाँ पर जफर बोल रहे हैं आलिया भट्ट से, यू बोथ गेट इन द ट्रेन, मैं इन्हें रोकता हूँ, आई विल स्टॉप देम, आई विल स्टॉप देम, वे तुम्हें मार देंगे, दे विल किल यू, दे विल किल यू, वे मेरे लोग हैं, दे आर माई पीपल, दे आर माई पीपल, वे मुझे कुछ नहीं करेंगे। दे वॉन्ट डू एनी थिंग टू मी, दे वॉन्ट डू एनी थिंग टू मी, उन्हें छोड़ दो अब्दुल मियाँ, लीव देम अब्दुल मियाँ, लीव देम अब्दुल मियाँ, उन्हें जाने दो मेरी खातिर, लेट देम गो फॉर माई सेक, लेट देम गो फॉर माई सेक। जफर चलो हमारे साथ, जफर कम विद अस, जफर कम विद अस। सरहदें बना देने से दुनिया छोटी या बड़ी नहीं हो जाती, क्रिएटिंग बॉर्डर्स डज नॉट मेक द वर्ल्ड बिग और स्मॉल, क्रिएटिंग बॉर्डर्स डज नॉट मेक द वर्ल्ड बिग और स्मॉल, इससे केवल हजारों लोगों की जिंदगी बिखर जाती है। इट ओनली ब्रेक्स थाउजेंड ऑफ लाइव्स अपार्ट, इट ओनली ब्रेक्स थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स अपार्ट। अक्सर उन बिखरी हुई जिंदगियों में दिल टूटने का गम दो लोगों को जोड़ देता है। ऑफन इन दो स्कैटर्ड लाइव्स द पेन ऑफ ब्रोकन हार्ट्स यूनाइट्स टू पीपल, ऑफन इन दो स्कैटर्ड लाइव्स द पेन ऑफ ब्रोकन हार्ट्स यूनाइट्स टू पीपल। डेली टाइम्स के मालिक की कहानी भी बंटवारे की उन हजारों कहानियों में से एक है। द स्टोरी ऑफ द डेली टाइम्स ऑनर इज वन ऑफ दोज थाउजेंड टेल्स ऑफ पार्टीशन, द स्टोरी ऑफ द डेली टाइम्स ऑनर इज वन ऑफ दोज थाउजेंड टेल्स ऑफ पार्टीशन, जो इतिहास की चीखों में कहीं खो जाएंगे। दैट विल गेट लॉस्ट इन द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, दैट विल गेट लॉस्ट इन द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। प्यार और नफरत दोनों का रंग लाल होता है, लव एंड हेट बोथ आर रेड इन कलर, लव एंड हेट बोथ आर रेड इन कलर, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, नफरत दुनिया को बर्बाद कर देती है, हेट्रेड डिस्ट्रॉयज द वर्ल्ड, हेट्रेड डिस्ट्रॉयज द वर्ल्ड, और प्यार में आपको खुद को बर्बाद करना पड़ता है। एंड इन लव यू हैव टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, एंड इन लव यू हैव टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, फिर भी कलंक अक्सर मोहब्बत पे लगते हैं। एंड एट लव गेट्स टेंटेड, एंड एट लव गेट्स टेंटेड, हमारी इस कलंक से रंगी मोहब्बत कभी नहीं मिटेगी। अवर टेंटेड लव विल नेवर पेरिश, अवर टेंटेड लव विल नेवर पेरिश, हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहेगी। इट विल ऑलवेज रिमेन विद इन अस, इट विल ऑलवेज रिमेन विद इन अस, अब फैसला आप पर है, नाउ द डिसीजन इज अप टू यू, नाउ द डिसीजन इज अप टू यू। आपने इस कहानी में क्या देखा, कलंक या मोहब्बत? व्हाट डिड यू फील इन दिस स्टोरी, डिस्ट्रक्शन और लव? व्हाट डिड यू फील इन दिस स्टोरी, डिस्ट्रक्शन और लव? तो फ्रेंड्स, ये थे कलंक मूवीज के सारे सेंटेंसेस। यहाँ से यार इसके पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मूवी के सेंटेंसेस लेकर आऊँगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो का फायदा उठा सकें।